इनफैक्ट जब भी किशोर दा का बर्थडे होता है मैं अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे पोस्ट करता हूँ एक गाना अपने फ्रेंड्स का जैम करते हुए और इस बार भी करने वाला हूँ इस बार तो पूरा शो करने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट सो आई थिंक या दैट्स द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट किशोर दा का बर्थडे इनफैक्ट किशोर दा का बर्थडे हम रोज़ सेलिब्रेट करते हैं कि रोज़ आप रेडियो पर उनके गाने सुनते हैं तो हर एक दिन किशोर दा का बर्थडे हमारे हिसाब से आई थिंक जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम वो आई थिंक दैट्स अ सॉन्ग बहुत ही नॉस्टैल्जिक भी है और उसका डीप मीनिंग भी है आप जिंदगी कभी भी आप किसी भी उलझन से गुजर रहे होते हो तो आई थिंक यू लिसन टू दैट सॉन्ग यू गेट द पर्सपेक्टिव राइट किशोर दा एज यू सेड हर एक मूड के लिए उनका गाना होता है चाहे आप मोटिवेटेड नहीं हैं या फिर आप रोमांटिक फील कर रहे हैं आई थिंक ही इज अ लेजेंड यार हमें तुमसे प्यार किया कितना मैं बहुत बार गा चुका हूँ इनफैक्ट वो पहला गाना था जो मेरी वाइफ को गाया था मैंने जब डेट कर रहे थे सुखना लेक चंडीगढ़ में तो काफ़ी लोग भीड़ जमा हो गई थी कि यार इतना खुल के क्यों गा रहा है तो मुझे लगा कि अब मुझे खुल के नहीं आराम से गाना चाहिए तब से मैं थोड़ा दब के गाता हूँ के क्या गाते हो? नहीं बस वही गाता हूँ क्योंकि वहाँ पे सुखना लेक में सब लोग इकट्ठे हो गए थे गाना गा रहा है एक लड़की के लिए तो वो सीन हो गया था वहाँ पर आई थिंक तब उस टाइम पर कैसेट्स आती थी एवरग्रीन किशोर कुमार बेस्ट ऑफ किशोर कुमार ऐसे ऐसे कैसेट्स आती थी और काफ़ी ब्लैक एंड वाइट गाने मैंने पहली बार देखे थे जो हमारे टीवी पे भी आते थे दूरदर्शन पे आया करते थे आई थिंक चलती का नाम गाड़ी देखी थी मैंने उनके गाने थे और एक लड़की भीगी भागी सी गाना था जो बहुत मधुबाला जी के साथ था उनका गाना तो वो काफ़ी आई थिंक दैट वॉज फर्स्ट सॉन्ग प्रॉब्ली आई हैड सीन ऑन टेलीविजन और सुना था जो मैंने उनका गाना ऑफकोर्स इमोशनल तो होते ही हैं क्योंकि जर्नी मेरी यहीं से शुरू हुई थी बिग एफ एम से शुरू हुई थी रेडियो से शुरू हुई थी वो दिल्ली में शुरू हुई थी और यहाँ पर एज अ गेस्ट जब इन्वाइट किया जाता है तो इट्स वेरी सरियल आई थिंक ऐसा नहीं बोलूँगा सोचा नहीं था सोचा था मैंने कि मैं एक्टर बनूँगा या स्टार बनूँगा तभी आप कुछ कर पाते हैं अगर सोचते हैं ज़िंदगी में लेकिन वो ख्वाब सच हो जाते हैं तो बहुत सरियल सा महसूस होता है तो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इनफैक्ट ये पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ अगर किशोर कुमार की बायोपिक बन रही है तो वो मुझे ही करनी चाहिए क्योंकि मैं गाता भी हूँ और उनके बारे में जानने का बहुत मुझे शौक़ है मैं उनके किस्से सुनता रहता हूँ या फिर पढ़ता रहता हूँ उनके बारे में उनके गाने बहुत सुनता रहता हूँ तो आई थिंक मैं डिज़र्व करता हूँ किशोर कुमार की बायोपिक करना आई जस्ट पुट इट इन द यूनिवर्स राइट नाउ या